ट्रिक देखेंगे। सबसे पहली ट्रिक जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट बताएगी, एंड सेकंड ट्रिक जो कि आप जरूर फॉलो करना चाहेंगे। गाइस मैं तो सेकंड ट्रिक फॉलो करती हूँ, एंड फर्स्ट ट्रिक भी बहुत इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है। सो आइए सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। सेकंड ट्रिक तो आप बहुत इजीली सारी टेबल लिख लेंगे, 100% गारंटी है कि आप सारी टेबल लिख सकते हैं। कोई भी आपसे पूछे सभी टेबल आप बता सकते हैं। सो आइए सबसे पहले 12 की टेबल लिख लेते हैं। 12 की टेबल के लिए क्या लिखेंगे गाइस, 2 के टेबल पढ़ते जाइए, जो भी आपकी वंस प्लेस पे वैल्यू है, ये वंस होता है एंड ये टेंस होता है, जो भी वंस प्लेस पे है उसके टेबल पढ़ते जाइए, एंड जो भी आपको टेबल कैलकुलेट करनी है वो आपकी आ जाएगी। मीन्स 12 की टेबल आ जाएगी आपकी, 2 की टेबल पढ़ते जाइए। 2 वंस 2 मीन्स जितने टाइम्स हम चल रहे हैं उसको हम यहाँ पर रखेंगे, जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। दैट मीन्स 2 वंस 2, 2 टू 4 होता है ना, 2 थ्री 6, 2 फोर 8, 2 फाइव 10। सो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। देखो जब तक 1 यूनिट की डिजिट होगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपके 10 यूनिट की डिजिट की वैल्यू आ जाएगी, देन आप इस वंस वाले यूनिट को तो एज इट इज रखेंगे, पर जो ये 10 यूनिट्स हैं इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 0 एंड 5 प्लस 1 6। नाउ सी 2 6 12, तो 2 को तो एज इट इज रखेंगे एंड 6 प्लस 1 7 कर देंगे। नाउ 2 7 14, सो 4 को एज इट इज रखेंगे, 7 प्लस 1 ऐड कर देंगे। 2 8 16, तो 6 को एज इट इज रखेंगे, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। नाउ 2 9 18, 8 एज इट इज, 9 प्लस 1 10, क्लियर है ना। नाउ 2 10 20, 0 एज इट इज एंड 10 प्लस 2 12। सो सिंपल कर दिया आपने, सिर्फ 2 की टेबल आपने लिखी और 12 की कैलकुलेट कर दी। नाउ सेम आप 13 भी कर सकते हो एंड आगे वाले भी कर सकते हो। सो फर्स्ट ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिए। 3 वन 3, 3 टू 6, 3 थ्री 9, 3 फोर 12, दैट मीन्स 2 डिजिट की आ गई भाई, यहाँ लिख लीजिए। 2 फोर 12, तो 2 एज इट इज एंड 4 प्लस 1 5, ठीक है। 3 फाइव 15, 5 एज इट इज, 5 प्लस 1 6, 3 सिक्स कितना होता है गाइज, 18, तो 8 एज इट इज, 6 प्लस 1 7, 2 3 7 जा कितना होता है, 21, 1 एज इट इज, 7 प्लस 8 9, 3 8 24, 4 एज इट इज, 8 प्लस 2 कितना होता है, 10, 3 9 27, नाउ अगेन 7 एज इट इज, 9 प्लस 2 11, 3 10 30, तो 0 एज इट इज एंड 10 प्लस 3 13, आ गई ना आपकी टेबल। सो है ना सो सिंपल, 3 की टेबल आपने पढ़ी और आपने 13 की कैलकुलेट कर दी। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है कि सिर्फ 10 तक की टेबल याद है, सारी टेबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वो शॉर्ट ट्रिक, वो बहुत इजी ट्रिक, वो भी देख लेते हैं, जो कि सभी में अप्लाई होगी एंड बहुत सिंपल है, ये ट्रिक भी आपके सभी में अप्लाई होगी फ्रेंड्स। सो आइए वो स्पेशल ट्रिक भी देख लेते हैं। नाउ जल्दी से ये सारी टेबल लिख डालिए सेकंड ट्रिप यूज करके। सो सेकंड ट्रिप है कौन सी जिसका आपको इतने ज्यादा इंतजार है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, जिसकी भी आपको टेबल कैलकुलेट करनी है। मान लिया 12 की करनी है, तो 12 की टेबल के लिए क्या करेंगे, ये 2 आपका वंस प्लेस पे है एंड 1 आपका किस पे है, टेंस प्लेस पे होता है। सो 2 की भी टेबल लिख डालिए एंड 1 की भी टेबल लिख डालिए। सबसे पहला फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। नाउ अब हम क्या करेंगे, वंस प्लेस वाली वैल्यू को एज इट इज एंड टेंस प्लेस वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। सो सेम लिख डालिए, यहां पे भी वंस प्लेस पे एंड ये सेकंड प्लेस टेंथ प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ठीक है। ये आ गया 12 2 24 3 36 3 48, यही होता है। नाउ अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपकी 2 डिजिट्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसको क्या करेंगे, जो इसकी 1 यूनिट वाली डिजिट है इसको हम एज इट इज रखेंगे एंड जो ये टेंस प्लेस वाली है इसको इस टेंस प्लेस वाली के साथ ऐड कर देंगे। दैट मींस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना सो सिंपल। नाउ अगेन 2 डिजिट की वैल्यू आ गई आपकी, सो वंस प्लेस वाली वैल्यू को एज इट इज 2 रखेंगे एंड टेंस प्लेस वाली को इस टेन प्लेस वाली से ऐड कर देंगे, सो 7 आ जाएगा। ये टेन प्लेस वाली वैल्यू है क्योंकि आपको 12 मालूम है, ये वंस पे होता है एंड ये टेंस पे होता है, इसलिए ये सभी कौन सी वैल्यू है, टेंस प्लेस वाली है।
अगेन सेम फोर एज इट इज वंस प्लेस वाली वैल्यू इस टेंस प्लेस वाले को उससे ऐड कर देंगे, सेम सिक्स, एट प्लस वन नाइन, सो यहाँ पे एट, नाइन प्लस वन टेन, ये यहाँ पे जीरो, टू को टेन में ऐड कर देंगे ट्वेल्व, है ना सो सिंपल, लिख देंगे ना, अब तो आप टू ही सेकंड में लिख डालेंगे ना, जल्दी से इसको लिख लेते हैं, थर्टीन आ जाएगा, टू और सिक्स ट्वेंटी सिक्स, थ्री और नाइन थर्टी नाइन, नाउ अगेन टू डिजिट्स की आ गई आपकी वैल्यू, सो टू को एज इट इज लिखने वाले हैं एंड टेंथ प्लेस को इस टेंथ प्लेस वाले डिजिट से ऐड कर देंगे फाइव, नाउ सेम फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, एट, सिक्स प्लस वन सेवन, वन, एट प्लस टू नाइन, है ना सो इजी, सो आइए लिख दीजिए टेन सेवन, नाइन प्लस टू इलेवन, जीरो, टेन प्लस थ्री थर्टीन, गाइज लिख दिया ना आपने कितना इजीली, अब आप सारी टेबल्स लिख देंगे, बहुत इजी है, फोर्टीन, टू एट ट्वेंटी एट, नाउ सेम टू यहाँ पर लिखेंगे, थ्री प्लस वन फोर, सिक्स यहाँ पर लिखेंगे, फोर प्लस वन फाइव, सो सिंपल, जीरो, फाइव प्लस वन सेवन, फोर एज इट इज सिक्स प्लस टू एट, नाउ एट एज इट इज सेवन प्लस टू नाइन, टू एज इट इज एट प्लस थ्री कितना होता है इलेवन, सिक्स एज इट इज नाइन प्लस थ्री कितना होता है ट्वेल्व, जीरो एज इट इज टेन प्लस फोर कितना होता है फोर्टीन, लिख डाला ना आपने 14 की टेबल भी, सारी टेबल आप लिखेंगे ये मेरी गारंटी थी, और मुझे उम्मीद है कि आप सारी टेबल बहुत इजीली लिख देंगे गाइस, 22 की टेबल, 25 की टेबल, 28 की टेबल, सारी टेबल आप इसे लिख सकते हैं, सो आइए जल्दी से ये लिख लेते हैं फिर आगे की भी देख लेते हैं, 15 यहाँ पे सेम, 0 30, नाउ अगर हम इसकी बात करते हैं 5 वंस प्लेस एज इट इज, 3 प्लस 1 4, 0 एज इट इज, 4 प्लस 2 6, 5 एज इट इज, 5 प्लस 2 सेवन, 75 हो गया, जीरो, सिक्स प्लस टू, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाउ फाइव एज इट इज, सेवन प्लस थ्री टेन, फोर एज इट, जीरो एज इट इज, एट प्लस फोर ट्वेल्व, 120 आ गया आपका, नाउ फाइव एज इट इज, नाइन प्लस फोर थर्टीन, जीरो एज इट इज, टेन प्लस वन फाइव फिफ्टीन, कितना सिंपल है यार, बहुत इजी है, लिख डाला ना आपने, सिर्फ वंस डिजिट को लिखेंगे, टेंथ डिजिट को ऐड कर देंगे, वंस डिजिट को लिखेंगे, टेंथ डिजिट को ऐड करके लिखेंगे, सो यही किया, ये वंस प्लेस वाली वैल्यू को लिखेंगे, टेंथ वाले डिजिट को ऐड करके लिख देंगे, पूरी टेबल ऐसे ही लर्न होती है, मैंने बोला था ना आप 100% टेबल सॉल्व कर लेंगे, सारी टेबल्स लिख डालेंगे, सो आइए गाइज एक बार 17, 18, 19 भी देख लेते हैं एंड 24, 28 वाले भी देख लेते हैं, सो आइए देख लेते हैं अब टेबल नंबर 17, 18, 19 एंड 23 भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी टेबल बना सकते हैं सेम, आप 1, 7 एज इट इज लिख देंगे, 2, 4 क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट वंस प्लेस की एज इट इज रखेंगे एंड टेंस वाले प्लेस की डिजिट को इस टेंस वाले प्लेस के डिजिट से ऐड कर देंगे, ये टेंस प्लेस क्यों है, क्योंकि 7 आपका किस पे है, वंस प्लेस पे है एंड 1 किस पे है, टेंस प्लेस पे है, इसलिए ये सभी डिजिट टेंस प्लेस की है एंड ये सभी वन प्लेस की आती है 17 में, ठीक है, लेकिन जब ये 2 डिजिट का आ जाता है नंबर तो इसमें अगेन डिवाइड हो जाता है वंस एंड टेंस प्लेस, सो टेंस प्लेस की डिजिट को टेंस प्लेस का ऐड कर देंगे, सो 1, 3 to 5, 8, 4 to 6 ऐड करते जाइए, 5, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, 2, 6 और 4 कितना होता है 10, नाउ 9, 7 और 4 कितना होता है 11, गाइस 6 एंड 8 और 5 कितना होता है 13 होता है यार 3, 9 और 6 कितना होता है 15 एंड 0, 10 प्लस 7 17, है ना सो सिंपल गाइस, बहुत इजी है, नाउ 18 देख लेते हैं सेम इसी तरीके से, 18, 6 एज इट इज, 2 प्लस 1 3, 4 एज इट इज, 3 प्लस 2 5, 2 एज इट इज, 4 प्लस 3 7, राइट, 0 एज इट इज, 5 प्लस 4 9, 8 एज इट इज, 6 प्लस 4 10, कितना इजी है, 6, 7 प्लस 8, 7 प्लस 5 12, नाउ 4, 8 प्लस 6 कितना होता है गाइज 14 होता है, 2, 9 प्लस 7 कितना होता है 16 होता है, 0 एंड 10 प्लस 8 कितना होता है 18 होता है, मैडम आपने ये ट्रिक पहले क्यों नहीं बताई यार, सो आइए 8, 19 सॉल्व कर लेते हैं, 1, 9, 8, 3, 7, 5, 6, 4 और 3, 7, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 प्लस 4,
9, सो सिंपल ना. नाउ अगेन यहाँ पर 4, 6 प्लस 5 11, 3, 7 प्लस 6 13, 2, 8 प्लस 7 15, गाइज 1, 9 प्लस 8 17, 0, 10 प्लस 9 19, सो सिंपल. नाउ 23 की टेबल आपने 17, 18, 19 की तो कर ली, क्या मैम 23 में भी ये ट्रिक यूज होगी? यस, यही ट्रिक यूज होगी. 2 के टेबल लिख लीजिएगा, 3 के टेबल लिख लीजिएगा एंड सेम प्रोसेस अप्लाई करना है. 2, 3, 23, 4, 6, 46, 6, 9, 69, 8 और 12. सो सबसे पहले आपकी वंस प्लेस के डिजिट. नाउ 8 प्लस 1 को ऐड कर देंगे 9, 5 लिखेंगे 10 प्लस 1 11, 8 लिखेंगे 12 प्लस 1 13, 1 लिखेंगे 14 प्लस 2 16, 4 लिखेंगे 16 प्लस 2 18, 7 लिखेंगे 18 प्लस 2 20. राइट, नाउ 0 एंड 20 प्लस 3 23, है ना? सो सिंपल गाइज, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत हेल्पफुल है. सारी टेबल्स लिख देंगे, अब लिख देंगे ना, है ना, बहुत इजी. इसी तरीके से सभी टेबल्स हम बहुत इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आने वाली वीडियो. उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा. बाद में मत कहिएगा मैडम हमें मालूम नहीं चला. सो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ओके गाइज, आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे वो भी लर्न कर सके एंड कमेंट जरूर कीजिएगा यस मैम मुझे समझ आ गया है. ओके, ऑल द बेस्ट. ओके, बाय, टेक केयर.